हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलकंठ मार्केट ऑपोजिट भव्या। आपका मेरे चैनल पर दोबारा से स्वागत है। तो मैं भव्या आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू मार्केट का व्लॉग। और ये मार्केट है पीतमपुरा की संडे वीकली मार्केट। ये हर संडे पीतमपुरा में शाम को ये मार्केट लगती है, तो आप संडे इस मार्केट में विजिट कर सकते हो। और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा इस मार्केट का, वो होगा पीतमपुरा ही। तो आप वहाँ से या तो 10 to 20 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस करके यहाँ पर आ सकते हो, या फिर आप वहाँ से रिक्शा करवा के भी इस मार्केट में आ सकते हो। ये बिल्कुल फ्लाईओवर जो है उसके सामने ही ये मार्केट लगी हुई मिलती है आपको। और इसी के सामने एक हॉस्पिटल भी है, इसकी जो आप एक निशानी रख लेना, बिल्कुल हॉस्पिटल, एक बड़ा सा हॉस्पिटल, उसके सामने ही ये मार्केट लगती है। और ये हर संडे को मार्केट लगती है। इस अगर आप इस मार्केट में विजिट करना चाहते हो तो टाइमिंग होगी शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक ये मार्केट आपको लगी हुई मिलेगी। तो आप इस टाइमिंग में इस मार्केट में विजिट कर सकते हो। और ये मार्केट हर संडे को आपको लगी हुई मिलेगी। इस मार्केट में भी आपको अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा और प्राइस भी ठीक होगा। तो आगे जैसे कि मैं आपको इस मार्केट की सारी डिटेल्स बता के चलती रहूँगी, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। अगर आप दिल्ली की ट्रेंडिंग मार्केट्स के लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानी भव्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी गाइस ना भूलें। तो सबसे पहले गाइस यहां पर आपको पटरी मार्केट लगी हुई दिखेगी। तो यहां पर 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। कोई भी सी भी आप फुटवेयर यहां से ले सकते हो, कोई भी स्लीपर ले सकते हो, सारी ही फुटवेयर यहां पर 200 में आपको मिलेंगी। इसमें फ्लैट्स भी थी, हील्स में थी, स्लीपर्स भी थे, मतलब ये सारी ही जितनी भी थी, अगर आपको फॉर्मल में चाहिए, हील्स में चाहिए या फिर पार्टी वेयर चाहिए, वैसी सारी ही फुटवेयर इनके पास थी, बेलीज वगैरह सारी। और गाइस अगर आप यहां पर बहुत दूर से आ रहे हो शॉपिंग करने के लिए, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इधर आओ। मतलब अगर आपके घर के ये पास में पड़ती है मार्केट तो आ जाना। मतलब अगर आप दूर से, ज़्यादा ही दूर से आ रहे हो तो इस मार्केट में नहीं आना, क्योंकि ऐसा कलेक्शन हमारी नियरली मार्केट्स में भी मिल जाता है। ये वाला कलेक्शन मेरे को किसी ने कमेंट करा था, इसलिए मैं इस मार्केट में गई थी, लेकिन मुझे वही वाला यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिला जो मतलब हमारी नियरली मार्केट्स में मिल जाता है और प्राइस भी मतलब यही होता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप नियरली मार्केट से ही शॉपिंग कर सकते हो। और मैं इसी संडे रोहिणी सेक्टर 11 की मार्केट में भी गई थी, वो भी मार्केट बहुत अच्छी है। इस मार्केट से मैं सजेस्ट करूँगी कि हाँ आप उस मार्केट में जा सकते हो। वो मार्केट में सच्ची में ऐसा कलेक्शन, अलग ही कलेक्शन मतलब वहाँ पे देखने को हमें मिलता है। मतलब वो वाली मार्केट का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ का कलेक्शन भी आप ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ का कलेक्शन मुझे सच्ची में अच्छा लगा। लेकिन मैं इस मार्केट में बोलूँगी कि अगर आपके नियरली पड़ते हैं तो इस मार्केट में ज़रूर शॉपिंग करें, लेकिन अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप इधर मत आइए। ऐसा कलेक्शन आपको नियरली मार्केट आपके देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 250 रुपीज़ में ऐसे ब्लाउज़ की सेल लगी हुई थी। इसमें से आप कोई भी ब्लाउज़ 250 रुपीज़ में ले सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारे फैब्रिक कलर डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, मतलब डिज़ाइनर ब्लाउज थे। इसमें नेट वाला भी था, जॉर्जेट का भी था, और मतलब ब्रोकेट का भी था, बनारसी लुक का भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और प्राइस रेंज एक ही होगा, 250 रुपीज़ इसका, इस प्राइस में आपको ये मिलेगा। इसमें पीछे ये गोटा पत्ती का लग रहा है, पेस्ट करा हुआ वर्क हो रखा है इसमें। और ये लाइक्रा फैब्रिक में भी था, मतलब हर फैब्रिक में, डिज़ाइन में, कलर में अच्छा मतलब कलेक्शन था। मैंने जितना भी आपको इस वीडियो में कलेक्शन दिखाया, ये सारा अच्छा ही दिखाया जो इस मार्केट में मेरे को लगा कि हाँ अच्छा कलेक्शन है, वो वाला ही मैंने आपको दिखाया है। और ये बनारसी लुक का भी था, इसमें देखो रेड कलर का गोल्डन लुक में कितना सुंदर लग रहा है, और प्राइस भी ठीक है 250 रुपीज़। और इन्हीं के पास ही ऐसी पार्टी वेयर ड्रेसेस भी थी, और इसकी प्राइस रेंज जो होगी वो होगी 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये की अंडर, मतलब
1500 रुपये मैंने लिख दिया, लेकिन उसके अंडर में ही आपको ऐसी पार्टी वेयर ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगी। गाउन्स भी थे, शरारा सूट्स भी थे, और इन्हीं के पास आपको साड़ीज़ भी मिल जाएंगी ब्लाउज़ के साथ, उसकी प्राइस रेंज अलग होगी, तो इनसे भी आके आप ले सकते हो। बहुत बड़ा ही स्टॉल में ही इन्होंने शॉप लगा रखी थी। और अगली शॉप मैं जो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ऐसे आपको एडी के भी इयररिंग्स देखने को मिल जाएंगे, टॉप्स वगैरह, और गोल्ड लुक वाले भी देखने को मिल जाएंगे। प्राइस रेंज मैंने मेंशन कर ही दी है, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको ऐसे एडी वगैरह के और गोल्ड लुक वाले मतलब इयररिंग्स देखने को मिल जाएंगे। और इनके पास एंकलेट्स वगैरह, चेन्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, मतलब बहुत सारा कलेक्शन था। मैं आपको आगे दिखाती भी रहूँगी। ब्रेसलेट्स के इनके पास ऐसे कड़े वगैरह के भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे, तो इनसे भी आके आप ले सकते हो। और ये गोल्ड लुक वाले बैंगल्स भी थे इनके पास, गारंटी वगैरह आप इनसे पूछ कर चेक करके ले लेना। और ऐसे इयररिंग्स भी मिल जाएंगे आपको, और एंकलेट्स भी थी इनके पास, और ये वाला ब्रेसलेट देखो, इसमें ऐसे बीड्स लगे हुए हैं। प्राइस रेंज मैंने जैसे कि मेंशन कर ही दी है, इसमें 100 से नीचे के भी मिल जाएंगे, मतलब कोई 80 का होगा, कोई 70 का होगा, मतलब 50 से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन मैंने 100 से ले लिखा है कि आप उसको मान के चलो। ये भी एक चेन का डिज़ाइन है, मतलब चेन है ये भी। इसमें भी देखो 3 से 4 कलर आपको मिल जाएंगी। चेन्स में भी देखो कितने सारे डिज़ाइन हैं इनके पास, और ऐसी चेन्स भी मिल जाएंगी जिसके साथ पेंडेंट्स वगैरह भी होंगे। और ये मंगलसूत्र वगैरह के भी इनके पास बहुत सारे कलेक्शन थे, एडी वाले भी मिल जाएंगे। ये देखो, जैसे हैवी वगैरह नहीं पहनने आपको, तो आप नॉर्मली ऐसे भी ले सकते हो। और मैं अगली शॉप पर आ गई, तो ऐसे आपको 10-10 रुपीज़ की ऐसी इयररिंग्स मिल जाएंगी, और ऐसे इयररिंग्स भी मिल जाएंगे, टॉप्स वगैरह गोल्ड लुक वाले। इनकी ज्वेलरी का अलग कलेक्शन है, मैं दूसरी शॉप आपको दिखा रही हूँ। इनके पास ऐसे बिछुए वगैरह भी मिल जाएंगे, रिंग्स भी मिल जाएंगी, टॉप्स भी मिल जाएंगे, ऐसे नेक पीसेस वगैरह भी मिल जाएंगे, और मंगलसूत्र वगैरह भी मिल जाएंगे, और बालियां वगैरह जो बड़ी आंटीज वगैरह पहनती हैं वो वाली भी मिल जाएंगी। और ये चेन्स वगैरह थी, आप पूछ के ले लेना, मेरे को लगता है इसका कलर चला जाएगा, तो आप हर चीज़ को चेक करके ले लेना इनसे भी। और यहाँ पर ऐसी बैंगल्स मिल रही थी, 50 से स्टार्टिंग हो जाती है इनकी, और जो पीछे हैं उनके सबके अलग प्राइस होंगे। चूड़े वगैरह भी थे, और सेट मिलवा के भी आप इनसे ले सकते हो अगर सेट बना के लेना है तो। यहाँ पर ऐसी साड़ियाँ मिल रही थी 250 रुपीज़ की, 250 वाली भी थी, 350 वाली भी थी, दो प्राइस रेंज में इनके पास साड़ियाँ थी। इसमें भी आपको फैब्रिक हर तरह का मिल जाएगा, हैवी वाली भी मिल जाएंगी। ये देखो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर सरोस्की का वर्क हो रखा है, लेस सारी मतलब बॉर्डर वगैरह लेस लगी हुई है। और ये यहाँ पे आपको ऐसी होजी की टी शर्ट्स मिल जाएंगी टीनेज गर्ल्स के लिए, साइजेस वगैरह मतलब ये क्रॉप टॉप है, 150 रुपीज़ के सेल लगी हुई थी ये भी रैक में। 150 रुपीज़ में से कोई भी आप टी शर्ट्स ले सकते हो यहाँ से। 100 रुपीज़ वाला भी कलेक्शन था, 200 वाला भी था, और ये देखो 150 रुपीज़ की ये मिल जाएंगी आपको यहाँ से। इसमें भी क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा था। ये जो टी शर्ट्स हैं रेनबो वाली, ये मैंने देखी थी, पता नहीं कहाँ कौन सी मार्केट में, 200 की मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे 150 रुपीज़ की ये भैया दे रहे थे। और डिज़ाइंस वगैरह भी आप देख लो, बहुत सारे हैं। ये जो हैं ये भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे भीड़ बहुत थी, इसलिए मैंने थोड़ी ही इनकी भी शॉप कवर कर पाई हूँ। यहाँ पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो आप इस मार्केट में ध्यान से आना। और ये देखो, ये 100-100 रुपीज़ के ऐसे पजामा वगैरह मिल जाएंगे। इसमें भी कलर डिज़ाइन बहुत सारे थे, और ये एक शॉर्ट्स का मतलब शॉर्ट्स भी थे इनमें, शॉर्ट्स के डिज़ाइन दिखा रही हूँ मैं आपको, सारा आप यहाँ से चेक करके ले लेना। और ये शॉर्ट्स भी थे 100-100 रुपीज़ की ये सेल लगी हुई थी। और यहाँ पे ऐसी आपको मतलब बहुत सुंदर सी ऐसी स्कर्ट्स मिल रही थी, साइजेस ये बड़े ही थे, मतलब बड़ी गर्ल्स की थी, पर लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छा था। इनकी जो स्टार्टिंग थी वो 450, 550, 650, 750 तक की थी स्कर्ट्स की। और ये जो आप देख रहे हो ये ड्रेसेस 100-100 रुपीज़ की ये सेल लगी हुई थी, ये टॉप्स की
ये देखो कॉटन में ये कितना सुंदर टॉप है। साइजेस भी बड़े थे इनके पास, कॉटन का भी था, मतलब हर तरह के इनके पास टॉप्स थे। 100 100 रुपीज़ में, मैंने जो जितने भी टॉप्स दिखाए वो 100 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे ऐसे क्रॉकरी के भी आपको आइटम्स देखने को मिल जाएंगे इस मार्केट में। इनके पास भी आपको बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस के ऐसे ग्लासेस वगैरह, कप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो क्रॉकरी मार्केट में मिलते हैं। ये देखो ये वाले, और जो प्राइस रेंज होगी वो मैक्सिमम जो होगी वो 1500 रुपये तक। आगे जो मैं आपको एक ग्लास दिखाऊंगी वो देखना, नेवी ब्लू कलर का भी है और उसमें ब्लैक कलर भी है, बहुत ही सुंदर पीस है वो भी। तब आप डिज़ाइंस देख ही सकते हो कितने सारे हैं, कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई होगा वो 500 के छः होंगे, छः के हिसाब से होगा, कोई कोई एक पीस भी आपको मिल जाएगा। और ये देखो ये बहुत ही बड़ा था, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इतना बड़े से कटोरी होती है ना, उतने बड़े साइज का था ये। इसमें आप जूस वगैरह कुछ भी दे सकते हो, किसी को भी सर्व कर सकते हो। और ये देखो ये नेवी ब्लू कलर का कितना सुंदर पीस है ये। और ये देखो इसी में ये ब्लैक कलर भी है। मैंने सबके अलग अलग प्राइस आपको नहीं ऐसे बताए, लेकिन मैंने आपको प्राइस रेंज बता दी कि मैक्सिमम जो होगा वो 1500 रुपये तक का होगा। और ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें आपको, बाउल्स वगैरह भी मिल जाएंगे और ग्लास बॉटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे और कप्स वगैरह, कटोरी वगैरह, मतलब ग्लास की हर चीज़ जितनी भी होती है ना वो सारी मिल जाएंगी। ये देखो ये ट्रेज मिल जाएंगी। आप इसका डिज़ाइन देखो, कलेक्शन में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा कलेक्शन इनके पास आपको मिल जाएगा जितने भी मैंने आपको डिज़ाइन दिखाए हैं। इन्हीं के साथ में एक और शॉप थी, इनके पास भी आपको ऐसी कटोरीज वगैरह मिल जाएंगी। इसमें से आप या तो सेट बनवा लो, जैसे डिनर सेट बनवा के ले सकते हो, एक एक पीस भी ये दे देते हैं, मतलब एक कटोरी यहाँ से आके आप ले सकते हो, एक कप ये ऐसे आपको 50 60 ऐसे रुपीज़ में मिल जाएगा। सबके अलग अलग प्राइस होंगे, तो कलर डिज़ाइन भी बहुत सारे हैं। कप्स के आप डिज़ाइन देखो, छः छः के हिसाब से ये मिल जाते हैं। और अगर आपको प्लेट्स वगैरह चाहिए तो वो एक 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 भी मिल जाएंगी। ग्लास के आइटम्स मिल जाएंगे, ग्लास जार्स, ग्लास बॉटल्स और ग्लास ट्रेज वगैरह, मतलब इनके पास भी मिल जाएंगे। इन्हीं के बिल्कुल साथ में ही इन भैया की भी शॉप है, पीछे का आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर